हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पे बना रहा हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स से जो क्वेरी आई है मेरे पास, उसमें सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो इडियम्स पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में, वो इस तरह के इडियम्स आते हैं कि एकदम से फ्रेश और एकदम से अनएक्सपेक्टेड इडियम्स पूछे जाते हैं और उनके आंसर समझ में नहीं आते कि उनका आंसर्स किस तरीके से लगाया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे स्टूडेंट आमतौर पर पढ़ ही लेते हैं और टेस्ट सीरीज जो होती है उनमें से भी इडियम्स नहीं पूछे जाते हैं। मतलब एसएससी एग्ज़ाम्स में जो इडियम्स आते हैं वो बिल्कुल ही नए और फ्रेश इडियम्स आते हैं। तो ये इडियम्स मैंने कुछ कंपाइल किए हैं और इनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इडियम्स क्या होता है? देखिए, इडियम का एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है, उसका मीनिंग जो होता है उस इडियम के अंदर होता है, उसके बाहर नहीं। इसका मतलब ये है कि वर्ड्स देख के आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका मीनिंग क्या होगा। मतलब उसका जो मीनिंग होता है वो इम्प्लाइड मीनिंग होता है, उस वर्ड के अंदर होता है उसका मीनिंग। अब जैसे फैट चांस, ठीक है, क्या मतलब हो सकता है इसका? फैट चांस का, फैट का अर्थ तो मोटा होता है, चांस का अर्थ मौका, तो मोटा मौका क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। या इसका मतलब ये निकल सकता है कि किसी चीज़ के अच्छे चांसेस हैं, किसी चीज़ में सफलता के अच्छे चांसेस हैं। लेकिन इसका जो रियल मीनिंग निकलेगा, जो इसका सही आंसर होगा, वो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल और बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इडियम्स का जो मीनिंग होता है वो इम्प्लाइड मीनिंग होता है। चलिए देखते हैं इसका सही मीनिंग क्या है। देखिए, ये है इसका सही मीनिंग। दिस इडियम इज़ ए वे ऑफ टेलिंग समवन दे हैव नो चांस। किसी व्यक्ति का किसी परीक्षा में, किसी कंपटीशन में, किसी एग्ज़ाम में यदि कोई चांस नहीं है उसको जीतने का या पास होने का, तो उसको हम बोलते हैं फैट चांस। फैट चांस का मतलब होता है कि कोई चांस नहीं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इडियम है, एसएससी सीजीएल और सीपीओ में ये निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो इस इडियम को आप अच्छे तरीके से याद करें। इस इडियम का मतलब है कि दे हैव नो चांस ऑफ सक्सेस। अब चलते हैं दूसरे इडियम की तरफ। देखिए, ये है सेकेंड इडियम और इसका आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका क्या हो सकता है। फीट ऑफ क्ले, आप अपना दिमाग दौड़ाइए और अंदाज़ा लगाइए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। फीट ऑफ क्ले, क्ले का मतलब होता है काली मिट्टी और फीट का मतलब होता है पैर। तो इसका मतलब ये है कि इडियम्स का मतलब निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसका मीनिंग जो होता है वो इम्प्लाइड मीनिंग होता है। फीट ऑफ क्ले का मतलब देखते हैं क्या है इसका मतलब। इफ समवन हैज़ फीट ऑफ क्ले, दे हैव फ्लॉज दैट मेक देम सीम मोर ह्यूमन एंड लाइक नॉर्मल पीपल। इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति के फीट ऑफ क्ले हैं तो वो एक नॉर्मल व्यक्ति है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है और बाद में मिट्टी में ही मिल जाता है, तो इससे हम ये मान सकते हैं कि फीट ऑफ क्ले का मतलब है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिससे नॉर्मल गलतियाँ होती हैं, जो नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, जिसमें कमियाँ होती हैं, जिसमें फ्लॉज होते हैं, उसको हम बोलेंगे फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब निकालना कितना मुश्किल था। वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं और मीनिंग जो निकल रहा है वो उसका कुछ और निकल रहा है। तो यही होते हैं इडियम्स और एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ही अनयूजुअल टाइप के इडियम्स पूछे जाते हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ थोड़े बहुत रिपीट होते हैं, ज़्यादा रिपीट नहीं होते। ज़्यादातर इडियम्स जो रहते हैं वो फ्रेश इडियम्स ही पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ कॉलमनिस्ट, जो कॉलम लिखता है अखबार में वो उसको हम बोलते हैं कॉलमनिस्ट। और फिफ्थ कॉलमनिस्ट क्या होता है? फिफ्थ कॉलमनिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एनिमी को, अपने दुश्मन को उस पर वार करने के लिए मजबूर करता है या उसकी हेल्प करता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फिफ्थ कॉलमनिस्ट। अ फिफ्थ कॉलमनिस्ट इज़ ए मेंबर ऑफ ए सबवर्सिव ऑर्गेनाइजेशन हु ट्राइज टू हेल्प एन एनिमी इनवेड। मतलब दुश्मन को आक्रमण करने के लिए वो हेल्प करता है, तो उसको हम बोलते हैं फिफ्थ कॉलमनिस्ट। इसका मतलब निकालना बहुत ही मुश्किल है। वर्ड्स कुछ कहते हैं और इसका मीनिंग जो निकलता है वो कुछ और ही निकलता है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। फिंगर इन द पाई, इसका आप मतलब निकालो। इस वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ और इसका आप इसका इमेजिन करने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या निकल सकता है। फिंगर इन द पाई, ठीक है, इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। ये उतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। फिंगर इन द पाई, किसी चीज़ में किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट होना, उसको हम बोलते हैं फिंगर इन द पाई।
इफ यू हैव अ फिंगर इन द पाई यू हैव एन इंटरेस्ट इन समथिंग। ठीक है, फिंगर इन द पाई का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट किसी व्यक्ति का होना। फिंगर इन द पाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्रेश SSC CGL और CPU एग्जाम के लिए idioms हम डिस्कस कर रहे हैं। फिंगर्स एंड थम्स, आप इसका अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है इसका मतलब। फिंगर्स एंड थम्स, देखिए फिंगर्स एंड थम्स का क्या मतलब है, जैसे जिस व्यक्ति के पास स्किल्स नहीं होती हैं, फाइन स्किल्स नहीं होती हैं, वो उंगलियों से और अपने अंगूठों का प्रयोग करके किसी चीज़ को करने की कोशिश करता है। तो फिंगर्स एंड थम्स का मतलब होता है कि अनस्किल्ड व्यक्ति, ठीक है, जो जिसका काम करने का तरीका एकदम रिफाइंड या स्किल्ड नहीं है बल्कि बेतुका तरीका है या बड़े बेढंग तरीके से वो किसी काम को करता है, अनस्किल्ड तरीके से किसी काम को करता है, दैट इज़ कॉल्ड फिंगर्स एंड थम्स। इफ़ यू आर ऑल फिंगर्स एंड थम्स यू आर बीइंग क्लम्जी एंड नॉट वेरी स्किल्ड विद योर हैंड। ठीक है, देखिए फिंगर और थम्स जो होती हैं वो हाथ में होती हैं, ठीक है, और यदि अपने हाथ के साथ आप स्किलफुल नहीं हैं तो उस सिचुएशन को बोलेंगे फिंगर एंड थम्स। ठीक है, फिंगर एंड थम्स का मतलब होगा कि यू आर अनस्किल्ड, यू आर नॉट स्किल्ड, उसको हम बोलते हैं फिंगर एंड थम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये idiom है फिंगर एंड थम्स, इसका मतलब होगा अनस्किल्ड, और यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन इसका आप देख सकते हैं। नेक्स्ट idiom हम देखते हैं फिट टू बी टाइड, इसका मतलब निकालने की कोशिश करें आप क्या हो सकता है फिट टू बी टाइड, क्या मतलब होगा इसका। देखिए यदि कॉमन सेंस इसका मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो बांधे जाने के लिए, टाइट का मतलब होता है बांध देना, रस्सी से बांध देना, जो बांधे जाने के लिए फिट है, तो किस व्यक्ति को आप बांधना पसंद करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति को आप बांधना पसंद करेंगे जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया है, जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है। तो फिट टू बी टाइट का मतलब क्या है, फिट टू बी टाइट का मतलब है इफ समवन इज़ फिट टू बी टाइट दे आर एक्सट्रीमली एंग्री, उसको हम बोलेंगे फिट टू बी टाइड। ठीक है, फ्लीट ऑफ फुट, फ्लीट देखिए फ्लीट ऑफ ships आपने सुना होगा, जहाज़ों का बेड़ा, ठीक है, जहाज़ों का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं फ्लीट, और फुट मतलब पैर, मतलब जिसके फ्लीट का मतलब एक्चुअली हुआ काफ़ी सारा, ठीक है, नंबर में काफ़ी सारा, तो जिस व्यक्ति के पास काफ़ी सारे पैर हैं वो कैसा होगा, वो क्विक होगा। तो इसलिए फीट ऑफ फुट का मतलब होता है इफ समवन इज फ्लीट ऑफ फुट दे आर वेरी क्विक। ठीक है, इस तरीके से इसको आप कुछ idioms को याद भी रखा जा सकता है, सारे idioms नहीं लेकिन कुछ idioms में आप कुछ कॉमन सेंस कुछ लॉजिक आप क्रिएट कर सकते हैं और उसकी मदद से इनको आप याद कर सकते हैं। जैसे फ्लीट ऑफ फुट का मैंने बताया कि फुट माने पैर और फ्लीट मतलब बेड़ा, जैसे जहाज़ों का बेड़ा होता है, मतलब काफ़ी सारी संख्या में कोई चीज, और किसी व्यक्ति के पास यदि ज़्यादा पैर हैं तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा क्विक होगा दूसरों की अपेक्षा, तो इसलिए फ्लीट ऑफ फुट का मतलब होता है वेरी वेरी क्विक। फ्लैश एंड ब्लड, ये तो थोड़ा सा कॉमन है फ्लैश एंड ब्लड, और फ्लैश एंड ब्लड किसको बोलेंगे हम, फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड हम बोलते हैं जो हमारे नियर एंड डियर्स होते हैं, जो हमारा जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है उनको हम बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड। योर फ्लैश एंड ब्लड आर योर ब्लड रिलेटिव्स स्पेशली योर इमीडिएट फैमिली। ठीक है, आपके जो नियर एंड डियर्स होते हैं, आपके जो आपका जिनके साथ खून का रिश्ता होता है उनको हम बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड। फुल ऑफ पिस एंड विनेगर, फुल ऑफ पिस एंड विनेगर क्या मतलब है उसका। विनेगर एक्चुअली एनर्जी का प्रतीक होता है, जो विनेगर होता है, तो इसलिए इसका मतलब होगा समवन हु इज़ फुल ऑफ पिस एंड विनेगर इज़ फुल ऑफ यूथफुल एनर्जी। जिस व्यक्ति के अंदर एक यूथफुल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं फुल ऑफ पिस एंड विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब क्या है। जैसे आप बोलते हैं कि मैंने इस चीज़ को हॉर्स के मुंह से सुना है, ठीक है, हॉर्स अब जो होता है वो कैसा प्राणी होता है, कैसा एनिमल होता है वो, हॉर्स निश्चित रूप से, हॉर्स और डॉग ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, हॉर्स तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होता है, तो हॉर्स के मुंह से आपने कोई चीज़ सुनी है तो इसका मतलब ये है कि रिलायबल सोर्स से आपने उस चीज़ को सुना है। इफ़ यू हियर समथिंग फ्रॉम द हॉर्स माउथ यू हियर इट डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन कंसर्न और रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल। कोई व्यक्ति जो रिलायबल है, जो कंसर्न है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके मुंह से यदि कोई बात निकल के आ रही है तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉम द हॉर्स माउथ। फुल ऑफ हॉट एयर, अब इसका आप अंदाजा लगाइए कि फुल ऑफ हॉट एयर का क्या मतलब हो सकता है, हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर का क्या मतलब है। एक्चुअली हॉट एयर का मतलब रविश से निकलता है,
जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं है उसको हम हॉट एयर बोल सकते हैं. सम वन हु इज़ फुल ऑफ हॉट एयर टॉक्स अ लॉट ऑफ रविश, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बकवास करता है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, उल्टी सीधी बातें करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ फुल ऑफ हॉट एयर. ठीक है, तो इसका मतलब कुछ और निकल सकता है. इसका मतलब ऐसा निकल सकता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नाराज है या गुस्से में है या आग बबूला हो रहा है, लेकिन इसका जो रियल मतलब है वो देखिए कि पूरे तरीके से अलग है. सम वन हु इज़ फुल ऑफ हॉट एयर टॉक्स अ लॉट ऑफ रविश. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फर कोट एंड नो निकर्स, क्या मतलब निकल सकता है इसका. देखिए फर कोट मतलब फर का एक कोट कोई व्यक्ति पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा वो दिखावा कर रहा है, लेकिन निकर्स नहीं पहना हुआ है, जो रियल चीज़ है वो नहीं पहना हुआ है और फालतू का दिखावा कर रहा है. ठीक है, फर कोट का मतलब होता है कि शो ऑफ करना, निकर का मतलब है कि वो रियल चीज़ यूजफुल चीज़ पहना हुआ है. तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक व्यक्ति दिखावा तो बहुत कर रहा है लेकिन उसके अंदर रियल क्लास नहीं है. That is called fur coat and no knickers. देखिए यहाँ पर देखिए, someone with airs and graces but no real class is fur coat and no knickers. तो fur coat and no knickers का ये मतलब होता है, बहुत ही बेहतरीन ये idiom है SSC के सभी exams के लिए. Go bananas, go bananas. देखिए banana को आप किससे जोड़ सकते हैं, banana को यदि किसी animal से आप जोड़ना चाहें तो किससे जोड़ेंगे आप, बनाना को आप निश्चित रूप से monkey से जोड़ सकते हैं, बंदर से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि बंदर को बनाना खाना यानी केला खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. और मंकी कैसा होता है, मंकी उछल कूद करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा उछल कूद वो करता है. इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाइपर है, वाइल्ड है या क्रेजी है, दैट इज़ कॉल्ड गो बनाना. व्हेन समवन सेज दैट मैन हैज़ गॉन बनानास, इट मीन्स दैट दे हैव बिकम हाइपर, वाइल्ड एंड क्रेजी. सो इट माइट बी हेल्पफुल टू थिंक अबाउट अ मंकी जंपिंग थ्रू द ट्रीज सीकिंग बनाना. सो गो बनाना मी somebody गोइंग हाइपर, वाइल्ड और क्रेजी. ठीक है, बहुत ही अच्छा एक idiom है और काफ़ी सारे idioms को मैंने relate करके भी आपको बताया है ताकि आप याद रख सकें इन idioms को. That is the way the cookie crumbles. Crumbles का मतलब होता है चकनाचूर होते जाना या टूट जाना. ठीक है, क्रम्बल का ये मतलब होता है, दैट इज़ द वे कुकीज क्रम्बल. इस सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है कि कुकी इसी तरीके से टूटती है. मतलब यहाँ पर हम एक नेचुरल प्रोसेस बता रहे हैं कि कोई भी घटना होती है तो इस तरीके से होती है. तो दैट इज़ द वे द कुकीज क्रम्बल का क्या मतलब हुआ, इट इज़ जस्ट ए वे ऑफ सेइंग दैट इज़ द वे थिंग्स हैपन. मतलब जब एक नॉर्मल चीज़ होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस पर गॉड का कंट्रोल है, तब हम बोलते हैं दैट इज़ द वे द कुकीज क्रम्बल. और चीज़ें इसी तरीके से होती हैं, ये एक नेचुरल तरीका है चीज़ों को करने का. इट इज़ जस्ट ए वे ऑफ सेइंग दैट इज़ द वे थिंग्स हैपन एंड एक्नॉलेजिंग दैट समटाइम्स थिंग्स टर्न आउट इन ए वे दैट वी कांट कंट्रोल. ठीक है, तो दैट इज़ द वे द कुकीज क्रम्बल, बहुत ही बेहतरीन एक idiom है. टू बाय अ लेमन, नींबू खरीदना, क्या मतलब होगा इसका, आप अंदाज़ा लगाइए क्या मतलब इसका निकल सकता है. ठीक है, देखिए इसका मतलब आप कैसे याद रखेंगे, मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब. लेमन का मतलब क्या है, टू बाय अ लेमन. ठीक है, लेमन एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा महंगी नहीं है, जो सस्ती है. और यदि आप सब्जी खरीदते हैं तो एक लेमन आपको फ्री में दे दिया जाता है या उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है. टू बाय ए लेमन का मतलब है कि आपने एक लेमन खरीद लिया, मतलब आपने एक ऐसी चीज़ खरीद ली, एक फालतू चीज़ खरीद ली जिसमें काफ़ी रिपेयर की ज़रूरत है. ठीक है, टू बाय अ लेमन का क्या मतलब होगा, देखिए देखते हैं समझते हैं इसको. इफ़ यू वेंट टू द कार डीलरशिप एंड बॉट अ लेमन, देन यू बॉट अ कार दैट डजेंट फंक्शन वेल और नीड्स अ लॉट ऑफ एडिशनल रिपेयर्स. मतलब यदि आप किसी डीलर के पास जाते हैं और आप एक ऐसी कार खरीद लेते हैं जिसमें काफ़ी सारा रिपेयर की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक नींबू खरीद लिया है, यू हैव बॉट अ लेमन. दैट इज़ रियली टू बैड फॉर यू व्हेन समवन बायज अ लेमन, they often have to buy a new car. Buy a lemon का मतलब एक ऐसी चीज़ खरीद ली आपने, एक ख़राब चीज़ खरीद ली, एक फालतू चीज़ खरीद ली जिसमें बहुत सारा रिपेयर की ज़रूरत है. तो ये थे कुछ फ्रेश idioms. और यदि आप प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं किसी भी SSC एग्ज़ाम के लिए या किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, इंग्लिश का और करंट अफेयर्स का, तो आपका हमारे ई कोर्सेस में बहुत बहुत स्वागत है. आप हमारे ई कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन कोर्सेज के रिगार्डिंग आप मुझसे इन नंबर्स पर बात कर सकते हैं.
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास? यदि अच्छा लगा तो इसको जरूर जरूर काफ़ी ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो क्लास को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।